साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। यूपी पुलिस 60,244 भर्ती, पेपर लीक मामला, जिस पर बीजेपी सरकार के ऊपर यानी योगी सरकार के ऊपर विपक्ष भी निशाना साधने लगा है। इसी बीच अखिलेश यादव जी ने पेपर लीक प्रकरण को लेकर क्या अपना सुझाव दिया है, क्या सरकार से डिमांड किया है, तो आज की इस वीडियो के जरिए आप लोग पूरी डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट करने आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां आपके काम की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। देखिए, आप लोग यहां इस पेपर में देखेंगे, न्यूज़पेपर की कटिंग है, पुलिस भर्ती परीक्षा मामले में FIR की कॉपी सार्वजनिक करे सरकार। सार्वजनिक का मतलब है सभी को पता चले कि जो कंपनी ने पेपर लीक किया, किस प्रकार से किया, क्या आपने उसमें लिखा, क्या ब्यौरा आपने उस रिपोर्ट में साझा किया। ऐसा अखिलेश यादव जी की डिमांड है कि सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करे, ताकि जनता को भी पता चले, जो विपक्ष है उसको भी पता चले, सबको पता चले। ठीक है, देखिए मैं यहां पर पूरी डिटेल से बताता हूं आपको। जो पुलिस भर्ती आयोजित हुई है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इसमें कहा है कि पेपर लीक करवाने में जो गुजरात की कंपनी का हाथ है और बेहद उस पर आरोप गंभीर लगाए गए हैं। उसका मालिक जब विदेश भाग गया, उसके बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके बारे में जनता को बताया। जब तक उसका मालिक यहां था तब तक नहीं बताया, हो सकता है इन्होंने भगा दिया हो, उसे क्या पता लगता है ना। चलो, इनके अनुसार जनता के गुस्से से बचने और दिखाने भर के लिए उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। जनता को केवल दिखाने के लिए ये आरोप लगाया है। प्रदेश सरकार उस कंपनी और उसके मालिक के खिलाफ FIR की कॉपी सार्वजनिक करे। कौन मालिक है, क्या डिटेल है, क्या उस पर आरोप है, सार्वजनिक करे, बिल्कुल सही डिमांड है। और डिमांड सभी छात्रों की भी यही है और विपक्ष की भी यही मांग है, यहां तक कि हम सभी जो YouTube वाले हैं उनकी मांग भी यही है। गुजरात भेजकर उसकी संपत्ति वसूलने की हिम्मत दिखाएं, ऐसे आपराधिक लोग उत्तर प्रदेश के 60 लाख युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने के दोषी हैं। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार साबित करे कि वो इन अपराधियों के साथ है या प्रदेश की जनता के साथ। अखिलेश यादव जी ने जारी बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश में काम करने वाली हर कंपनी के इतिहास और उसकी सत्यनिष्ठता गुणवत्ता की जांच की जाए। इस परीक्षा के आयोजन से संबंधित कंपनी ही नहीं बल्कि हर एक संलिप्त मंत्री या अधिकारी की भी जांच हो। जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब तक उसके काम से उसे मुक्त रखा जाए, यानी उसके काम से उसे हटा दिया जाए। तो भाई, डिमांड बहुत बढ़िया है, मांग बहुत अच्छी है, ऐसा होना चाहिए सभी की, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई बाहरी अराजक तत्व जो इस नकल में मतलब इस प्रकरण में शामिल हुआ हो चाहता है वो हो। तो इनको पकड़कर सबसे पहले तो मतलब इनके सेवा पानी ठीक ठाक हो, संपत्ति जब्त करी जाए, जितनी संपत्ति है बिल्डोजर जो गरीब परिवार के और जो बेरोजगार युवा के घर पर अभी चल रहा है वो इन नकलचियों के घर पे चले बिल्डोजर, क्योंकि इनको भी यहां बिल्डोजर जो है उसका बल दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अभी तक गरीब परिवार के बच्चे और गरीब परिवार पर ही जो बिल्डोजर है वो चला है। तो पहली बार आप लोग देखेंगे कि इन लोगों के ऊपर भी बिल्डोजर चलेगा जिन्होंने पेपर लीक प्रकरण में भाग लिया। बड़े पैमाने पर लोग हैं यहां पर, बड़े पैमाने पर 400 रिसोर्ट में 400 और FIR बहुत कम, 37-38 लोगों के खिलाफ, उनको नहीं पकड़ पाए जो 400 वहां नकल करने गए थे CCTV फुटेज की मदद से। किसी की मदद तो लेते STF, किसी की मदद तो लेती सभी को पकड़ के अंदर, है ना, कुछ भीड़ कम होती, कुछ नकलची जो पेपर की अभी भी आगे की साठगांठ करेंगे नकल से इस पेपर को हल करने में, वो पहले ही इसमें चुप लगा जाते। तो अखिलेश यादव की बहुत बढ़िया डिमांड है, सरकार ऐसा करे, जो FIR की कॉपी कंपनी के खिलाफ है और उसमें रिपोर्ट है तो वो सार्वजनिक करे सोशल मीडिया पर, या फिर अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, या योगी जी अपने ट्विटर एक्स हैंडल पे उसे साझा करें, ताकि सभी को पता चले कि आखिर मसला क्या है और क्यों मालिक जो है वो अमेरिका भाग गया है। ठीक है, जय हिंद।